नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहलवानों का ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन खत्म करने का ऐलान। साक्षी, विनेश और बजरंग बोले, अब लड़ाई सड़कों पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने रविवार देर रात ऐलान किया। इनका कहना है कि अब अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं अदालत में लड़ी जाएगी, ये तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। साक्षी ने लिखा कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई, सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है। चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी अमेरिका इजिप्ट की यात्रा के बाद भारत लौटे, JP नड्डा ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। PM आज कई अहम बैठक भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और इजिप्ट के दौरे के बाद भारत वापस लौट आए हैं। रात 12:30 बजे उनका प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतारा। PM का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला तो BJP अध्यक्ष JP नड्डा और दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद PM एयरपोर्ट से अपने घर के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज PM मोदी कई अहम बैठकें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से 11 किलो गोल्ड हुआ गायब। सांसद बोले, देश की बदनामी हो रही, जांच के दौरान बंद रहा था मंदिर। जी हां दोस्तों, नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से 10 किलोग्राम गोल्ड यानी कि सोना गायब हो गया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है अब यह हवाला। अब यह मामला संसद में भी उठा है। इस मुद्दे पर बहस के दौरान एक सांसद ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है, इससे देश की बदनामी हो रही है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। मंदिर से कुछ दिन पहले सोना होने की शिकायत सरकार को मिली थी। रविवार को एंटी करप्शन यूनिट ने इसकी जांच की थी। इस दौरान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। शाम 6 बजे जांच एजेंसी की टीम अंदर गई और रात 2 बजे तक हर पहलू को खंगाला। सोमवार को संसद में इस मामले पर बहस हुई। नेपाली कांग्रेस के सांसद प्रदीप पौडेल ने कहा कि इस मामले की जांच पार्लियामेंट्री कमेटी को करनी चाहिए, जांच के नाम पर लिपापोती नहीं होनी चाहिए। इस मामले की वजह से देश की बदनामी हो रही है, करप्शन को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। LG को इस्तीफा दे देना चाहिए, CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच नोकझोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। CM अरविंद केजरीवाल ने प्रगति मैदान टनल के अंदर कारोबारी से हुई लूट का CCTV फुटेज शेयर करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि LG को इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सरकार में कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर 24 जून को प्रगति मैदान टनल के अंदर कारोबारी से हुई लूट का CCTV फुटेज शेयर किया। उन्होंने LG पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि LG को इस्तीफा देना चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाए जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दे, हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिक के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, BJP देश को बेचना चाहती है, कहा उनके डबल इंजन जल्द ही खराब हो जाएंगे, हम बना रहे हैं महाजोता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा देश को बेचना चाहती है, उसके डबल इंजन जल्द ही गायब हो जाएंगे। वे राज्य के पंचायत चुनाव में अपना पहला इंजन और 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा इंजन खो देंगे। हम भाजपा के खिलाफ महाजोता यानी कि बड़ा गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जल्द ही किया जाएगा। कूचबिहार में पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करते हुए ममता ने कांग्रेस को बंगाल में BJP की दूसरी टीम बताया है। उन्होंने कहा है कि हम BJP के खिलाफ महाजोता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां महाघोट बनता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू में बोले रक्षा मंत्री, जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पार जाकर मारेंगे। आतंकी हमलों के बाद PM ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला लिया था। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी उस वक्त मैं ही गृह मंत्री था,
जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने खंधों पर लेकर आगे बढ़ा तो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन घटनाओं के बाद पीएम मोदी के साथ एक बैठक हुई। मैं पीएम की इच्छा शक्ति की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। इसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है।